पेरिस ओलंपिक में पूरे देश की निगाहें नीरज चोपड़ा पे थी और नीरज चोपड़ा जो है फाइनल में पहुंच गए हैं और परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार पे लोग जो है बधाई देने के लिए घर पर आए हुए हैं और सभी बैठे हैं, जश्न मना रहे हैं। ऐसे में उनके पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, नीरज चोपड़ा फाइनल में पहुंच गए, पहले बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाइयाँ। पूरे देश की जो उम्मीदें थी नीरज, उन पर खरा उतरा। हमारे पूरे परिवार को और पूरे देश को एक मतलब खुशी मिली है कि हम फाइनल में पहुंच गए हैं और फाइनल में भी ऐसी ही मतलब अपना दम लगा के परफॉर्मेंस देगा तो पूरे देश में एक मतलब बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होगा। सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है नीरज चोपड़ा पे ही है, क्योंकि अब तक गोल्ड मेडल अब की बार नहीं आ पाया है तो पूरे देश का बस यही है कि मतलब जैसे 3 ब्रॉन्ज मेडल अब तक हमारे पास हैं और अब जो उम्मीदें पूरे देश को थी क्वालिफाई मैच में उसने मतलब ये काफ़ी बेहतर करके दिखाया और सबको एक ये मतलब पता थोड़ा है ये हुआ, एहसास हुआ कि भाई हाँ हम लोग अच्छा कर सकते हैं और फाइनल में जैसे जाएगा तो वहाँ और भी जी जान लगा देगा देश के लिए मेडल जीतने में और जो देश की इच्छाएँ हैं वो पूरी करने की पूरी कोशिश करेगा। फाइनल गेम होने से पहले प्रेशर रहता है, प्रेशर परिवार पे भी था और नीरज चोपड़ा पे तो खुद प्रेशर ही था, इसके बारे में आपके दिमाग पर कितना प्रेशर था? देखो क्वालिफाई से पहले तो तकरीबन होता ही है, हर देशवासी के मन पे एक प्रेशर था कि मुश्किल से हमें ये मौका मिला कि जहाँ से हमें गोल्ड की उम्मीद है वो अभी क्वालिफाई होना है और अच्छे से क्वालिफाई हुआ, ये मतलब हमें बहुत अच्छा लगा है कि भाई पूरे देश को अच्छा लगा है भाई बढ़िया से हम लोग क्वालिफाई हुए हैं और ऐसे ही बॉडी को बेहतर परमात्मा उसकी बना के रखे कि आने वाले फाइनल में भी वो अच्छा परफॉर्म करे तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी देश में। लेकिन नीरज चोपड़ा अब फाइनल में पहुंच चुके हैं, कुछ कहीं ना कहीं परिवार का भी प्रेशर अब कम हुआ है और अब उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा से वो देश के लिए गोल्ड ही लेके आए। और फैमिली के और भी मेंबर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। उनके चाचा हैं नीरज चोपड़ा के, भीम चोपड़ा, जो लगातार उनसे भी उनकी बातचीत होती रहती है, सबसे ज़्यादा शायद मेरे ख्याल से उन्हीं से बात होती है, तो इस बारे में बात करते हैं कि उनकी कब लास्ट बात हुई थी और क्या बातचीत हुई थी। जब नीरज चोपड़ा से आपकी लास्ट बार बात हुई थी फाइनल से पहले तो क्या बात हुई थी, किस प्रकार की उसकी तैयारियां थी, क्या बताया था उन्होंने? नीरज से मेरी बात हुई थी तो बड़ा कॉन्फिडेंट था अपनी तैयारियों को लेकर, क्योंकि उसने पिछले 3 साल में मेन फोकस उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप में और इन में ही था, तो उसी के अनुरूप उसने अपनी तैयारी के अनुरूप ही थ्रो की है 89.34 मीटर की और आगे भी हम उम्मीद करते हैं, परसों रात का फाइनल मैच है तो ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि प्रभु की कृपा बनी रहे, सब कुछ ठीक चलता रहे और वहाँ पर भी वो देश का नाम रोशन करे अच्छी परफॉर्मेंस अपनी देकर, खिलाड़ी सभी की उम्मीदों पर खरा उतरे। खिलाड़ी के साथ साथ पूरे परिवार पर प्रेशर होता है, मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा फैमिली में आप प्रेशर ले रहे थे, तो क्या मानते हैं अब कितना प्रेशर जो है वो रिलीज हुआ? मेरी फैमिली पूरी बड़ी है, मेरा पूरा देश मेरी अब फैमिली है, तो पूरा देश प्रेशर ले रहा था, मैं भी देश से बाहर नहीं हूँ तो अब काफ़ी प्रेशर रिलीज हो गया, बड़ा रिलैक्स हो गया। अब तो परसों की तैयारी है, परसों फिर ऐसे ही परमात्मा उसके हाथों से बड़ी अच्छी थ्रो निकलवा दे और देश की झोली में एक और खुशियों का एक और गोल्ड मेडल देश के लिए, बस जो मतलब देश की उम्मीदें हैं उन पर वो खरा उतरे। देखिए नीरज के चाचा जी थे तो इन्होंने बताया कि देश के साथ पूरी परिवार के साथ साथ पूरे देश को नीरज चोपड़ा से ही उम्मीद है कि आने वाले समय में वो देश के लिए दोबारा से फिर गोल्ड लेकर आए। पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज 18।